रावण की सोने की लंका के बारे में आप सब जानते होंगे। रावण लंका का राजा हुआ करता था और यहाँ पर राजा अपने महल से कैसे महल को किस तरह से प्रोटेक्ट रखते थे, जो सोना सारे महल में लगा हुआ तो किस तरह से भाई महल को बचाया जाता था सेफ्टी के लिए, दुश्मनों से बचाव के लिए। तो इसके दीवार है, ये जो पहाड़ दिख रहा है पहाड़ नहीं ये मिट्टी है, और इसके उस तरफ बिल्कुल पीछे सोने की राजा की महाराज रावण जो बोलते हैं यहाँ पर उसकी लंका रही है। और इस लंका के अंदर ये जो पानी का दिख रहा है ये रहा है मौत का खंडर, मौत का तांडव इसमें हुआ करता था। क्योंकि भाई ये जितना भी पूरा इलाका बना हुआ है इस इलाके के अंदर इस तरह की खाई बनी हुई है और इस खाई के अंदर डाले जाते थे खतरनाक से खतरनाक मगरमच्छ घड़ियाल, ताकि दुश्मन इसके अंदर एंट्री ना कर सके। ये पानी हजारों सालों से अब भी यूं का यूं है, मतलब पानी और इकट्ठा होके भरता रहता है। इसका निर्माण इस तरह से किया गया था कि इसको कोई भी मैनुअली ना भर के अपने आप ऑटोमेटिक भरता रहेगा। और ये पूरा पत्थरों से बना, आप यहां देखेंगे देखो ये पूरा पत्थरों से बना हुआ है, ऐसे से ये पूरे इसी पहाड़ के पत्थर ला के इसको बनाया गया है। उस तरह पूरा पूरा स्लोप है, पूरी चढ़ाई बनाई है ताकि ऊपर चढ़ने में भी दुश्मन को बड़ा मुश्किल हो जाए, ऊपर ना चढ़ पाए इसके। यहां से थोड़ा प्लेन आपको दिखाई देगा, यहां से आसानी से कोई भी दुश्मन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर जंगली घड़ियाल और यहां पर होते थे मगरमच्छ इसके अंदर डाले जाते थे, इसके ऊपर चढ़ने में परेशानी आए इसलिए इसको बनाया जाता था। इसकी गहराई 20 फीट गहरा इसके बताते हैं कि 20 फीट गहरा इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो मतलब दुश्मन इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता था। तो ये पूरा का पूरा बना हुआ है और ये रास्ता है पूरे इस महल के चारों तरफ घूमने के लिए। मैं अभी आगे चल के पूरा दिखाता हूं आपको, ये देखो ये जनता आ रही है, लोग आ रहे हैं देखने के लिए। हम सुबह सुबह आ गए भाई, 8 बज गए यहाँ पे, और इस पूरे इलाके को देखने के लिए अंदर महल तक जाएंगे। पता नहीं इंटरनेट वहां कैसा होगा, लेकिन हमें इंटरनेट ना होगा तब भी वीडियो को शूट करेंगे, वहां से उसकी एंट्री है। और यहाँ विक्रम कितने पैसे लगते हैं एक बार विदेश आता है इसको एंट्री का? $30 $30 बता रहे हैं भाई, $30 का मतलब है लगभग ₹2500 एक बंदे की एंट्री रहेगी इसके अंदर जाने के लिए। तो इसके अंदर जाके दिखाएंगे पूरा का पूरा कि वो अंदर का किस तरह का बना हुआ है। ये पूरा समुन्द्र बना रखा है, समझो समुन्द्र जैसी एक नहर बना रखी है पूरी की पूरी, और ऐसा खतरनाक भाई सिस्टम। अब तो इसके अंदर लगता है कमल उमल के फूल कुछ खिले हुए हैं, ये देखो। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, पेज को पहली बार देख रहे हैं फॉलो कर दे। बाहर का कुछ नजारा इस तरह का दिखाई देगा, वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है वो कमेंट करके जरूर बताएं। ये देखो, तो इस वीडियो को शेयर कर दे सबके पास। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे लाइव आके आपको दिखाते रहेंगे कि किस किस तरह क्या क्या चीजें बनी हुई है। तो ये बना हुआ है बाहर बिल्कुल महल के एक नहर पानी की, ये भी इससे आगे चल के दिखाते हैं आगे क्या क्या है। ये देखो सामने फॉरनर भी आ रहे हैं, वैसे तो मैं भी फॉरनर, मैं तो भूल जाता हूँ फॉरनर हूँ यार। ये देखो, और पूरा पूरा पत्थरों से बना हुआ है भाई, वो सुबह 5 बजे खुल जाता है, सुबह 5 बजे खुल जाता है क्योंकि ऊपर बताते हैं कि चलते 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 घर में आ सकते हैं। देखो यहाँ पर भी पूरा मगरमच्छ का लिखा भी हुआ है, ये देखो मगरमच्छ है इसके अंदर, यहाँ इसके ऊपर चेतावनी डाली गई है। तो वीडियो को शेयर कर दो भाई, लाइक कर दो, आगे चल के जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे चीजें दिखाते रहेंगे। थोड़ा सा आगे चल के वहां और देखते हैं कि वहां उसके अंदर एंट्री के लिए कैसे क्या है, अंदर घुसते कैसा दिखेगा, पूरी सीरीज बनाने वाले हैं। वाह बड़ा खूबसूरत दिख रहा है सामने से, तो ये देखो भाई यहां से एंट्री इस तरह, ये तो उसी से मैं बना हुआ है अंदर जाने के लिए। कहाँ मिलती टिकट, यहीं पे। ये देखो अंदर जाने का ही है भाई, वाह और सामने दिख रहा है भाई वो महल का ऊपरी हिस्सा, लगभग 600 फीट ऊपर है वो। ये देखो
उसके आगे दिखाएगा भाई।